हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग फॉर यू। आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आपका होगा, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसफार्मर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्लियर? तो अगर मैं सबसे पहले नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखे जो कि आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पहला पॉइंट तो ये है, थिकनेस ऑफ कंडक्टर इज़ डिसाइडेड बाय करंट रेटिंग। तो भाई जो करंट रेटिंग होती है वो डिसाइड करती है आपकी थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। अगर करंट मेरा कम होगा तो मुझे पतली पतली वायर के साथ भी मेरा काम चल जाएगा, अगर करंट की वैल्यू वेरी लार्ज है तो मुझे मोटी वायर की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? इसका मतलब जो थिकनेस होती है किसी भी कंडक्टर की, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द करंट रेटिंग। क्लियर है जी पॉइंट? दूसरा, जो आपकी वोल्टेज रेटिंग होती है वो डिसाइड करती है इंसुलेशन। तो इंसुलेशन इज़ डिसाइडेड बाय वोल्टेज रेटिंग। ये भी मेरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा होगी, और उतनी ही स्ट्रेस ज़्यादा को झेलने के लिए मुझे इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। क्लियर? तो वोल्टेज रेटिंग ऑलवेज डिसाइड द इंसुलेशन, एंड करंट रेटिंग इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है जी पॉइंट? थिकनेस ऑफ कंडक्टर इज डिसाइडेड बाय करंट रेटिंग, इंसुलेशन इज डिसाइडेड बाय द वोल्टेज रेटिंग। जितनी वोल्टेज ज़्यादा होगी उतनी ही मुझे इंसुलेशन ज़्यादा देनी पड़ेगी। समझ रहे भी पॉइंट? तो इन दोनों पॉइंट को भाई आपने रिमेंबर रखना है। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मेरा जी यहाँ पे यूज़ भी होगा। क्लियर? मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो अगर मैं जनरेटिंग स्टेशन की बात करूँ, जनरेटिंग स्टेशन पे जो मेरी वोल्टेज जनरेट होती है, मैक्सिमम वोल्टेज इंडिया में जनरेट होती है, दैट इज़ 11 kV। क्लियर? अगर 11 kV से मैं ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूँ वोल्टेज जनरेशन वाली, मैं ऐसे नहीं है जनरेट नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा वोल्टेज पे जो मुझे इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है, इंसुलेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? इंसुलेशन की वजह से मेरा जो मशीन है वो भी मुझे ज़्यादा बड़ी यूज़ करनी पड़ेगी, जिसके साथ ओवरऑल कॉस्ट मेरा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समझ रहे भी पॉइंट? तो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की बात करूँ, ट्रांसमिशन लाइन में जो मेरा पावर होता है, दैट इज 3 VI cos φ होता है, येस और नो? अगर मैं मान के चलूँ मेरा पावर सेम है, वोल्टेज मेरा सेम है, तो करंट और इसका मतलब I cos φ क्या हो जाएगा, मेरे पास कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ राजे, जो मेरा करंट I है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू cos φ। क्लियर है जी पॉइंट? तो मैं यहाँ से ये भी निकाल सकता हूँ, अगर मुझे दूसरा वोल्टेज के साथ रिलेशन निकालना था भाई, ये उल्टा रिलेशन हो गया है। मान लीजिए मेरे पास पावर कांस्टेंट है और मेरा पावर फैक्टर भी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? तो वोल्टेज और करंट के बिटवीन क्या रिलेशन आएगा, मतलब VI की जो प्रोडक्ट हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी, क्योंकि 3 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो जो मेरा करंट हो जाएगा दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये चीज़ बनेगी या नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अगर मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज को क्या रखूँ, ज़्यादा रखूँ, जितनी मेरी वोल्टेज ज़्यादा होगी उतनी करंट की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? जितना करंट मेरा कम हो जाएगा उतना मेरा I2R लॉस भी क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताइए भाई, कम हो जाएंगे। और मुझे एक चीज़ बताइए, ट्रांसमिशन लाइन में ये जो करंट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, जल्दी से बताइए भाई। ये आ रहा है भाई आपका या तो थर्मल पे जो जनरेटर लगा हुआ है, या हाइड्रो पे जो आपका जनरेटर लगा हुआ है उसकी बाइंडिंग में से निकल कर आ रहा है ये करंट। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ, अगर ये वाले करंट की वैल्यू कम होगी, एक तो मेरे लॉसेस कम हो जाएंगे, दूसरा ये जो करंट है मेरा जनरेटर की वाइंडिंग में से निकल कर आ रहा है, इसका मतलब जो आपकी करंट रेटिंग होती है दैट इज डिसाइडेड द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। अगर करंट मेरा कम हो जाएगा इसका मतलब मुझे पतली वायर यूज करनी पड़ेगी, अगर वायर मेरी पतली होगी तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई, जल्दी से बताइए, कॉस्ट ऑफ द कॉपर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। समझ रहे हैं पॉइंट? दूसरा, मेरे लॉसेस मेरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर? तीसरा, अगर मैं इतनी ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज करके जा रहा हूं तो मेरा करंट कम हो जाएगा, लॉसेस कम हो जाएंगे, कॉपर मेरा सेव हो जाएगा। इसलिए भाई हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन से जितनी हायर टू हायर वोल्टेज रखते हैं उतना ही मेरे लिए एडवांटेज होता है। क्लियर?
अगर मान लीजिए कम वोल्टेज मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, कम वोल्टेज पे करंट की रिक्वायरमेंट वेरी लार्ज होगी, एक तो मेरे लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जितनी जनरेट हो रही है पावर उतनी लोड पे नहीं पहुंचेगी, उससे आधा पार्ट मेरा खत्म हो जाएगा। और तीसरा ये अगर हाई करंट है, ये हाई करंट मेरी जनरेटर की वाइंडिंग में से आएगा, तो उसकी वाइंडिंग की जो थिकनेस है मुझे वो क्या रखनी पड़ेगी भाई, वेरी लार्ज रखनी पड़ेगी, तो कॉपर की जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वहां पे वोल्टेज वेरी लार्ज रखते हैं, क्लियर। जब भी हम पावर को ट्रांसफर करते हैं उस केस में वोल्टेज की जरूरत क्या होती है, उसको वेरी लार्ज रखा जाता है, समझ रहे हैं पॉइंट, सो दैट करंट मेरा कम हो जाए, आई स्क्वायर आर लॉस कम हो जाए, और मेरा सेव जो कॉपर की सेविंग है वो भी मेरी क्या हो जाए, लार्ज हो जाए, क्लियर। सेविंग क्या हो जाए, लार्ज, किसकी, कॉपर की, बिकॉज ये जो वेरी स्मॉल करंट है ये मेरा जनरेटर की वाइंडिंग में से निकलेगा, और जनरेटर की वाइंडिंग की जो थिकनेस होती है वो ही डिसाइड करती है आपकी करंट रेटिंग। इसका मतलब अगर करंट कम हो गया तो मुझे पतली वायर यूज करनी पड़ेगी, मींस वेट ऑफ द कॉपर विल रिड्यूस, समझ रहे पॉइंट। एक चीज और बताइए, अगर मैं जनरेटिंग स्टेशन पे मुझे जनरेटिंग स्टेशन वाली पावर को ही लोड सेंटर पे ट्रांसफर करना है, इसका मतलब ये हुआ राजे, यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज ज़्यादा जनरेट करूँगा तो उसके साथ जो मेरी इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग डिसाइड द इंसुलेशन, जो आपकी वाइंडिंग की इंसुलेशन है वो मुझे वेरी लार्ज रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर। तो फिर इसका सोल्यूशन ये निकला भाई कि आप जनरेट कर दो 11 kV और इसको भाई स्टेप अप कर लो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर अगर ना होता तो ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व ना होती, क्लियर, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कैपेबिलिटी है आप इसको किसी भी लेवल तक स्टेप अप कर सकते हो, समझ रहे हो पॉइंट। तो यहाँ पे मेरे पास 11 kV जनरेट होगी, इसको मैं स्टेप अप कर लूँगा भाई 420 kV या 720 kV, आई थिंक 400 kV होता है, ठीक है, तो 720 kV, क्लियर, जहां तक मैं इसको स्टेप अप कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर मैं डायरेक्टली इतनी ज्यादा वोल्टेज यहां पे जनरेट करूंगा तो उसके लिए इंसुलेशन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, वेरी लार्ज हो जाएगी, तो मेरी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा मेरे पास डिवाइस आया जो इस वोल्टेज को किसी भी लेवल तक स्टेप अप कर देगा, और वोल्टेज को मुझे स्टेप अप करने की जरूरत क्यों पड़ी, सो दैट जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना करंट कम होगा, उतने आई स्क्वायर आर लॉस कम हो जाएंगे, उतनी ही मुझे पतली वायर की जरूरत पड़ेगी, क्लियर, लिंक कर रही है अभी बातें सारी। तो ये चीज भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ट्रांसफार्मर की जरूरत हमें इसीलिए पड़ी सो दैट मेरी ओवरऑल लॉसेस कम हो जाएं, मेरे कॉपर की सेविंग हो जाए, मेरी ये जो इंसुलेशन की कॉस्ट जानी थी ये भी मेरी बचत हो जाए, क्लियर। तो तीन एडवांटेज यहां पर हो गई है भाई। तो यहां पर मैं ट्रांसफार्मर यूज करूंगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आगे जाएगा लोड सेंटर पर तो मुझे वोल्टेज कितनी चाहिए होती है, या तो 220 वोल्ट फॉर सिंगल फेज, या 420 या 440 वोल्ट फॉर थ्री फेज। इसका मतलब यहाँ पे मुझे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा, स्टेप डाउन। तो ट्रांसफार्मर आपका दो काम कर सकता है भाई, स्टेप अप भी कर सकता है और स्टेप डाउन भी कर सकता है, समझ रहे हैं पॉइंट। तो जनरेटिंग स्टेशन पे जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ये ऑलवेज कौन सा होता है भाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आपको बताएंगे इस टाइप की जो ट्रांसफार्मर होता है इसको बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर, जो डिस्ट्रीब्यूट के लिए यूज होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, क्लियर है जी पॉइंट। तो ये था भाई आपको बताया मैंने नीड ऑफ द ट्रांसफार्मर, क्लियर है जी पॉइंट। तो नेक्स्ट कुछ पॉइंट ट्रांसफार्मर के हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो आगे लिखिए फिर आपका ट्रांसफार्मर, थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी भाई ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर आपके पास क्या है, ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है भाई, ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, क्लियर है जी पॉइंट। इसके अंदर कोई भी आपका रोटेटिंग पार्ट नहीं होगा, क्लियर। तो अगर मैं इसका 3D व्यू आपको दिखा दूं, ये मेरे पास भाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा, जी है जी मेरे पास ट्रांसफार्मर, इसके ऊपर एक जे वाइंडिंग होती है, एक जे वाइंडिंग होती है, मान लीजिए इसके नंबर ऑफ टर्न कितनी है N1, इसमें कितना है N2 है, क्लियर। तो ट्रांसफार्मर के बारे में लिख लो, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर को लिखने का मेथड जे है, कई लोग ऐसे लिखते थे ट्रांसफार्मर, जे रॉन्ग वे है, क्लियर। ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, ये कह रहा जी एक स्टैटिक डिवाइस है, मतलब इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। अगर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर जो लॉसेस आएंगे राजे वो वेरी स्मॉल आएंगे, मतलब इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, दैट इज 99 point something, क्लियर, अप्रोक्सीमेट 98 to 99% होती है, सबसे ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी किसकी होती है भाई, ट्रांसफार्मर की होती है, समझ रहे हैं पॉइंट। दूसरा जी मेरा ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर ट्रांसफर पावर
फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, वन साइड टू अनदर साइड विदाउट कनेक्टिंग टू, विदाउट कनेक्टिंग टू, इन दोनों को भाई कनेक्ट नहीं करता, ये दोनों वाइंडिंग मेरी आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती, क्लियर, विदाउट कनेक्टिंग टू, क्लियर, और विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी आपकी भाई सेम रहती है, पावर यहां से यहां तक ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन जो मेरी पावर यहां, सॉरी फ्रीक्वेंसी यहां पे है वही फ्रीक्वेंसी मेरी यहां पे रहेगी, मतलब ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी। और आपका जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे जे काम करेगा, समझ रहे हैं पॉइंट, और इसके अंदर भाई फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी कभी भी चेंज नहीं करेगी, क्लियर। अब इसके थोड़े से पार्ट्स के बारे में देख लें, जैसे हमारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये मेरी आर्म होगी, ये हैंड हो गया, सिमिलरली इसके भी पार्ट है भाई, इसका ये जो पार्ट होता है ये वर्टिकल वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं ना जी, लिम्ब बोलते हैं, इसको लिम्ब और लेग्स बोलते हैं, क्लियर। ये जो हॉरिजेंटल वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं ना जी, योक, ये मेरे पास होता है जी, योक होता है। फिर आगे ये जो वाइंडिंग होती है, जिस साइड मेरा सोर्स लगा होता है, ध्यान से सुनना, जिस साइड मेरा सोर्स लगा होता है उस वाली वाइंडिंग को क्या बोलते हैं राजी, प्राइमरी वाइंडिंग, दैट इज प्राइमरी वाइंडिंग। और जिस साइड मेरा क्या लगा होता है राजी, जिस साइड मेरा लोड कनेक्टेड होता है, मान लीजिए यहां पर क्या कनेक्टेड है भाई, लोड, जिस साइड लोड होता है इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग, समझ रहे भी पॉइंट। तो जरूरी नहीं है कि सोर्स मेरा यहां पे हो, सोर्स मेरा अगर इस साइड कनेक्ट हो जाएगा तो ये भी नहीं क्या हो जाएगी, प्राइमरी, अगर इस साइड में लोड कनेक्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सेकेंडरी हो जाएगा, समझ पा रहे हैं भाई इतनी बात। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है, मैंने देखा ट्रांसफॉर्मर वो वर्किंग नहीं है, मैंने जस्ट देखा, तो मैं उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी डिफाइन नहीं कर सकता, प्राइमरी और सेकेंडरी मैं तब ही डिफाइन कर सकता हूं जब मैं उसको ऑपरेशन में रखूंगा, क्लियर। मतलब मैंने कनेक्ट कर दिया, जहां पे सप्लाई कनेक्ट होगी वो प्राइमरी हो जाएगा, यहां पे लोड कनेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, सेकेंडरी हो जाएगा, क्लियर। और ये भी इस साइड अगर मैं सोर्स कनेक्ट करूंगा तो ये मेरा प्राइमरी हो जाएगा, इस साइड लोड कनेक्ट करूंगा तो सेकेंडरी हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई ट्रांसफार्मर मेरे पास है उसका मैं ये नहीं बता सकता किस साइड मैं लोड कनेक्ट करूंगा, किसी भी साइड आप लोड और सोर्स कनेक्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी और सेकेंडरी बन जाएगा। लेकिन ऑलवेज ट्रांसफार्मर को हम जब भी डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों वाइंडिंग को, वो एल वी वाइंडिंग एंड एच वी वाइंडिंग से डिफाइंड करते हैं। एल वी वाइंडिंग मीन्स लो वोल्टेज साइड, एच वी साइड मीन्स हाई वोल्टेज साइड। तो जिस साइड वोल्टेज ज़्यादा होती है उसके ऊपर लिखा होता है कि साइड वोल्टेज रेटिंग आपकी गिवन होगी, जिस साइड वोल्टेज कम होगी वो होती है एल वी साइड, जिस साइड वोल्टेज ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, एच वी साइड। ऑलवेज जो ट्रांसफॉर्मर डिफाइन करते हैं हम, ये दोनों वाइंडिंग को हम डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज लेवल, जिस साइड वोल्टेज कम एल वी, जिस साइड वोल्टेज ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं, एच वी, क्लियर। प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ड हम नहीं यूज करते, समझ रहे हैं पॉइंट। प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ड मैं तब यूज करूंगा जब मुझे पता हो कि सोर्स जिस साइड कनेक्ट है वो प्राइमरी, जिस साइड लोड कनेक्टेड है वो क्या हो जाएगा मेरा, जल्दी से बताइए भाई, वो हो जाएगा मेरा सेकेंडरी, क्लियर है जी पॉइंट। तो ये था भी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रांसफॉर्मर। अब आगे हम एप्लीकेशन देख लेते हैं भाई, आपका ट्रांसफॉर्मर की क्या क्या एप्लीकेशन है, क्लियर है जी पॉइंट। तो लिखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, पहला जी है ये स्टेप अप कर सकता है भाई, स्टेप अप, या पहले अगर मैं इसकी नंबर ऑफ टर्न का रिलेशन निकालूं, एक साइड नंबर ऑफ टर्न कितनी है n1, दूसरी साइड कितना है भाई n2 है, क्लियर। कि इफ n1 मेरा ग्रेटर देन है n2, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है जी, दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इफ n1 इज लेस देन n2 है, ये मेरे पास हो जाता है भाई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। आगे मैं इसको प्रूव करूंगा नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा आएगा उसमें हम इसको प्रूव करेंगे, जब n1 दैट इज इक्वल टू n2 हो जाए, दिस ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन पर्पस, समझ रहे हैं पॉइंट। तो नेक्स्ट लिखिए भाई एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर की पहली एप्लीकेशन ये है, ये आपके वोल्टेज को स्टेप अप कर सकता है और वोल्टेज को क्या कर सकता है भाई, स्टेप डाउन, क्लियर। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज, स्टेप अप और
स्टेप डाउन द वोल्टेज। क्लियर है जी पॉइंट? स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज करेगा, और स्टेप अप और स्टेप डाउन करंट। क्लियर? दोनों को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। यहां पे बाद में आइए, एक बार फिर देखिए यहां पे पहले क्या कंडीशन में देखिए, इसमें मैं नंबर ऑफ टर्न और वोल्टेज के साथ भी रिलेशन निकाल सकता हूं। अगर B1 मेरा ग्रेटर देन है B2 तो क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सिमिलरली अगर B1 मेरा लेस देन है B2, ये मेरे पास हो जाएगा भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर मैं करंट के साथ रिलेशन निकालूं, जिस साइड मेरा वोल्टेज ज्यादा होता है उस साइड मेरा करंट क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब वोल्टेज ज्यादा है तो इस साइड मेरा करंट क्या हो जाएगा, I1। अगर लेस देन I2 है वो भी मेरा क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सिमिलरली अगर I1 इज ग्रेटर देन I2 है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। समझ रहे हैं अभी पॉइंट? तो स्टेप अप और स्टेप डाउन आप करंट के साथ भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आपके जो ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर जो पावर होता है दैट इज रिमेन सेम। अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूं, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड की पावर जो होती है वो सेम होती है, मतलब B1 I1 दैट इज इक्वल टू B2 I2। मान लीजिए किसी साइड वोल्टेज मेरा ज़्यादा है, अगर वोल्टेज ज़्यादा है इसको कांस्टेंट रखने के लिए करंट को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। जिस साइड वोल्टेज ज़्यादा उस साइड करंट कम होता है। अगर मान लीजिए वोल्टेज इस साइड कम है तो करंट मेरा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। समझ रहे हैं पॉइंट? इसका मतलब जो आपका ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज और करंट दोनों को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। क्लियर? सेकेंड एप्लीकेशन आपकी ये है, जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है दैट इज यूज्ड फॉर इंपीडेंस मैचिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं भाई, इंपीडेंस मैचिंग। क्लियर? तो इंपीडेंस मैच जब भी हो जाता है तो आपके पास किसकी कंडीशन आ जाती है भाई, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन आ जाती है, दैट इज अ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन। समझ रहे भी पॉइंट? और ऐसा होता है, मान लीजिए मेरे पास 5 ओम का रजिस्टर है, मेरे पास मान लीजिए 5 ओम का रजिस्टर है और मुझे 20 ओम का रजिस्टेंस चाहिए, और मार्केट से मुझे नहीं मिल रहा 20 ओम का रेजिस्टेंस, तो मैं क्या कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर मैं 5 ओम के रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर सकता हूँ भाई 20 ओम में। क्लियर? जी आगे देखेंगे जब हम रेफरिंग पैरामीटर देखेंगे उसमें साथ हम बताएंगे आपको कैसे हम इसको 20 में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है जी पॉइंट? तीसरा इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज यूज फॉर आइसोलेशन पर्पज। आपको पता है भाई ये दो मेरे पास जो ट्रांसफार्मर है, इस साइड जो भी मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट लगाऊंगा जिससे ये सप्लाई मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, क्लियर, और दूसरी साइड मेरे पास लोड है, इन दोनों में आपस में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। समझ रहे हैं पॉइंट? कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, सारी की सारी जो पावर ट्रांसफर होती है ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस होती है। समझ रहे हैं पॉइंट? इसका मतलब जे वाला सर्किट और जे वाला सर्किट दोनों इलेक्ट्रिकली क्या है, आइसोलेटेड है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी दो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आइसोलेट करना चाहूँ तो एक साइड ट्रांसफार्मर यूज करके इसको मैं आइसोलेट कर सकता हूँ। क्लियर? और जो साइज होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर का वेरी स्मॉल होता है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होता है उसका साइज क्या होता है, वेरी लार्ज होता है। क्लियर? और एप्लीकेशन क्या है भाई आपकी ट्रांसफार्मर की, जो आपका पल्स ट्रांसफार्मर है, पल्स ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन रडार सिस्टम में यूज होता है भाई, आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है। समझ रहे हैं पॉइंट? तो ये सारे पॉइंट भाई आपको पता होने चाहिए। और जो आपका ट्रांसफार्मर होता है दैट इज यूज्ड फॉर डीसी फिल्ट्रेशन, और डीसी फिल्ट्रेशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रांसफार्मर होता है दैट इज नॉट वर्क ऑन डीसी। इसका रीजन बताएंगे, एक अलग से टॉपिक आएगा ट्रांसफार्मर ऑन डीसी, लेकिन जो आइडियल ट्रांसफार्मर है वो आपका डीसी पे काम करेगा। आगे फिर इन डिटेल देखेंगे, दो केस के साथ इसको डिस्कस करेंगे। संदर्भी पॉइंट, तो ट्रांसफार्मर के अंदर मैंने आपको बताया जे इसकी भाई एप्लीकेशन होती है, ये सारे पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जिस साइड वोल्टेज ज्यादा उस साइड करंट कम, और जिस साइड वोल्टेज कम होता है उस साइड करंट मेरा क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है जी पॉइंट? तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आइडियल ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।